आइए फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये देख सकते हैं हमारे पास इतना सारा बॉक्स है, तो ये बॉक्स का यूज कहाँ पे होता है। ये इलेक्ट्रिकल के लिए बॉक्स यूज करते हैं, तो ये बॉक्स कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं और इसका साइज क्या होता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक एक करके सारे बॉक्स के बारे में बताएंगे। तो एक बार सबको हम साइड पहले करते हैं, इसके बारे में बता दें। ये हमारा पीवीसी बॉक्स है, इसमें देख सकते हैं एक ऊपर 20 का, एक नीचे साइड 20 का ये बना होता है। इस पर तोड़ सकते हैं, ये 20 mm का होल होता है यूज करने के लिए पाइप। तो देख सकते हैं इसका कुछ, इसको बोलते हैं 6x3 बॉक्स। और अगर इसको सेंटी में यहाँ से यहाँ नापेंगे तो 7 cm और यहाँ से यहाँ 3.5 cm होता है। गल्फ में इसको बोलते हैं फ्रेंड 6x3। तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, आपको जरूरत बोला आदमी 6x3 का बॉक्स लाओ स्टोर से, तो आप कैसे लाएंगे, तो ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। इसमें एक साइज और आता है 3x3 का बॉक्स, उसका कुछ साइज देख सकते हैं। ये हमारे पास पीवीसी का तो नहीं है, जीआई का है, ये साइज का रहेगा। ये जो हमारे पास ये जो साइज है, तो इसमें दो साइज सॉकेट के लिए हम दो बॉक्स यूज करते हैं। एक ये है 6x3, एक आता है 3x3 का। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा पीवीसी बॉक्स है। ये आप इसके बारे में आपको मालूम हो गया। ओपन में भी यूज करते हैं और इसको अंदर ग्राउंड वाल में भी लगाते हैं। इसको दोनों जगह पे यूज किया जाता है। जंक्शन बोर्ड होता है उसके अंदर भी इसको लगाते हैं और ओपन एरिया में भी इसको लगा सकते हैं। ओपन एरिया बोले तो सेलिंग के ऊपर ओपन एरिया में लगा सकते हैं, बाकी फिनिशिंग एरिया में ये बॉक्स नहीं लगता है। फिनिशिंग एरिया में कौन सा बॉक्स लगता है वो भी आपको दिखा दें। जैसे ये बॉक्स हमारा देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें दो तरह का बॉक्स है। एक देख सकते हैं, एक ड्रिप ज्यादा है, एक में गड्ढा ज्यादा है, एक में कम है। ये हम जो यूज करते हैं, ये हम सॉकेट के लिए यूज करते हैं, ये वाला जो हमारा है। और ये हम डाटा के लिए यूज करते हैं, डाटा के लिए 3x3 का जो हमारा डाटा प्लेट आता है, इसके ऊपर बहुत अच्छा से टाइट होता है, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये जो हमारा बॉक्स है, ये सॉकेट के लिए यूज करते हैं, सिंगल सॉकेट जो होता है उसके लिए इसको यूज करते हैं। एक इसमें आता है जो साइज हमारा, ये देख सकते हैं, ये साइज का एक आता है 3x6 का बॉक्स, वो आता है। ये 3x3 का है, इसको अगर इधर से इधर नापेंगे तो 3.5 cm, इधर से भी इधर 3.5 cm, लेकिन इसको यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे इसका नाम है 3x3 और उसको बोलते हैं 6x3। ये हमारा जो बॉक्स है, ये मेटल बॉक्स है। ये फ्रेंड ओपन एरिया में लगा सकते हैं, मतलब अगर पूरा फिनिशिंग वाल है उसके ऊपर अगर जरूरत है तो इसको हम लगा सकते हैं। ये मेटल बॉक्स को, सिर्फ इसी को लगा सकते हैं मेटल बॉक्स। इसके लिए देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कितना अच्छा होता है, इसके लिए इसको बोलते हैं मेटल बॉक्स। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए, मेटल बॉक्स 3x3 और 6x3 दो तरीके का। इसमें स्विच सॉकेट के लिए हम इसको यूज करते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये भी हमारा मेटल बॉक्स है, इसको भी ओपन एरिया में हम लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बॉक्स होता है। इसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसमें दो तरीके का बॉक्स है, ये देख सकते हैं। इसमें दोनों साइज है, आपको दोनों दिखा दें। ये हमारा जो है 6x3 का है, ये हमारा 3x3 का है। सेंटी तो आपको बता दिए सबका, जैसे उसमें बताया सेम ऐसे इसमें भी होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके का इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए। ये जो हमारा होता है फ्रेंड, ये वाल जब कटिंग होता है, जो इसको बोलते हैं झिर्री कटिंग, झिर्री कटिंग करके इसको हम वाल के अंदर लगा सकते हैं और जंक्शन बोर्ड में भी लगा सकते हैं, सेम इसको भी। ओके फ्रेंड, और देख सकते हैं फ्रेंड, ये दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, वाल के अंदर भी और जंक्शन बोर्ड पे भी। कुछ इस तरीके से इसको फिट किया जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड। ये हमारा 6x3, ये 3x3। और देख सकते हैं फ्रेंड, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इसको लगाते हैं तो ये हमारा ज्यादा अंदर जंक्शन बोर्ड जो होता है ना, यहाँ पे जंक्शन बोर्ड में बहुत ज्यादा ये बॉक्स यूज होता है, तो उसको इसको जब लगाते हैं तो ज्यादा अंदर चला जाता है, ज्यादा अंदर चला जाता है। इसका उपाय देख सकते हैं, ये हमारा 6x3 का एक हमारा ये भी बॉक्स ही है, तो इसको भी हम लगा सकते हैं। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसको लगाया जाता है, तो शायद ये आप लोग ना देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लें, कुछ इस तरीके का होता है। इसको सिर्फ इसी के लिए लगाया जाता है, ये अंदर जब ज्यादा अंदर चला जाता है तो हम इसको लगा सकते हैं, यहाँ से स्क्रू लगा सकते हैं, स्क्रू इसमें लगा के टाइट कर देंगे, तो इसके बाद हम इस पर स्विच या सॉकेट जो भी है, इस पर सॉकेट ही लगेगा, क्योंकि 6x3 का है तो इस पर सॉकेट ही लगता है। कैसा सॉकेट लगता है वो सॉकेट भी आपको फोटो साइड में दिखा देंगे। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा 3x3 का है, ये देख सकते हैं, ये हमारा 3x3 का है, तो इसको हम कुछ इस तरह से इस पे यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एकदम दोनों साइज बराबर होता है। अगर ये ज्यादा अंदर है तो इसके ऊपर से ऐसे स्क्रू लगा दिया जाता है इस पे, ये इसके लिए होता है। ओके फ्रेंड, फिर भी अगर मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, वहां भी आके आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सब बॉक्स है, और भी इसमें बहुत तरह का बॉक्स आता है फ्रेंड।
आप अगर कमेंट करेंगे तो उस पर ही बना दूंगा वीडियो। ओके, थैंक यू।